नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम गणित को इस प्रकार पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को गणित बहुत आसानी से समझ आए और सरल भी लगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से गणित के ऐसे ऐसे बेहतरीन अद्भुत रहस्य लाते रहता हूं जो यूनिक भी होता है और बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी गणित पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं अंकों के जो रहस्य हैं उसको बताते रहते हैं, और इस वीडियो में भी हम एक अद्भुत रहस्य बताने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को गणित के अद्भुत रहस्य देखना है जिस पर मैं केवल और केवल अद्भुत रहस्यों की चर्चा कर रहा हूं। उस पर मैंने 16 वीडियो आप ऑलरेडी बना रखे हैं और ये कहा जाए 17वें नंबर का वीडियो है जो बहुत ही यूनिक होने वाला है। और यहां पर मैंने कुछ संख्या लिख रखा है 1, 12, 30, 7। आखिर इसको मैंने क्यों लिखा है वो भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और आपको ऐसे ही और बहुत सारे रहस्य देखना है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है 369 अंकों का रहस्य, उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा हमारे चैनल पे। और ऐसे ही दो और मतलब टोटल मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हैं, लेकिन 3 यूनिक प्लेलिस्ट बनाए हैं। बाकी जो है विषय आधारित है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास का, लेकिन 3 प्लेलिस्ट मैंने यूनिक टाइप का बनाया है। पहला बनाया है 369 अंकों का रहस्य, उसके बाद मैंने बनाया है मैथ्स मैजिक जादुई गणित, और एक बनाया है मैजिक स्क्वायर जादुई वर्ग पहली। देखो अलग अलग प्लेलिस्ट है भाई, इन तीनों प्लेलिस्ट को आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। निश्चित रूप से आज का मजेदार चीज को सीख लेते हैं। चलिए आज का मजेदार चीज क्या है, सबसे पहले यहां पर मैंने जो लिखा है उसको ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो चीज लिखा है वो आपको समझ तो आएगा ही आसानी से। सबसे पहले यहां पर मैंने 1 लिखा है, फिर 12 लिखा है, 30 लिखा है, फिर 7 लिखा है। ये क्यों लिखा है चलिए हम आपको बताते हैं। हम ये जानते हैं कि ये एक जो है ना साल है, ठीक है, एक जो है साल है, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं, ठीक है, 12 माह होते हैं। और हर माह में अब देखिए हम जानते हैं कोई महीना 30 का, कोई 29 का, कोई 28 का कभी कभी, और 31 का भी होता है। तो हम ये मानते हैं कि माह जो है 30 दिन का होता है। यहां पर मैं गणित का रहस्य बता रहा हूं इसलिए आपको, हम ये मानते हैं कि 30 दिन का, 31 का भी होता है, वो तो आप सभी जानते हैं, उंगलियों को रख किस प्रकार गिनते होंगे ना, 1, 2, 3 जो भी है, जनवरी फरवरी, तो ऊपरी वाला भाग होता है वो 31 का, निचला वाला जो भाग होता है वो क्या होता है 30 का होता है, और कभी कभी 29 और 28 का होता है। इसके लिए तो आपको लीप वर्ष में जाना पड़ेगा। और देखिए हमने क्या कहा, 30 दिन का होता है, और हर जो सप्ताह है ना, हर सप्ताह है उसमें कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ये तो आपको समझ आ गया। तो भाई मैं ये क्यों बता रहा हूं कि 1, 12, 30 और 7 क्यों बता रहा हूं वो भी बताऊंगा, एक अद्भुत चीज बताने वाला हूं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां पर देखिएगा अगर आप 1 लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं, देखिए मैं इसको गुना भी कर रहा हूं भाई, मतलब अगर मैं क्या कहूं कि मैं 1 को क्या करूं, गुना करूं 2 से, फिर गुना करूं 3 से, फिर गुना करूं 2 से, फिर गुना करूं 5 से, ठीक है, यहां पर 5 लिख देते हैं 5 से, फिर गुना करें 7 से, और फिर गुना करें, देखिएगा फिर गुना करें 2 से फिर करते हैं, और फिर गुना करते हैं 3 से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा संख्या है, क्या क्या लिखे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है वो एकदम यूनिक संख्या है, और वास्तव में ये संख्या मैंने क्यों लिया वो भी आपको बताने वाला हूं। इन संख्याओं को यदि हम गुना करें तो 2 एकम 2, यहां पर 2 एकम 2 हो गया, और 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, यहां पर आ जाते हैं, ये हो गया 12, ठीक है। उसके बाद ये 5 है, ठीक है, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ये 12 हो गया। यहां पर देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पर देखिए 5 दुनी 10, और 10 दिया 30, यहां पर देखते हैं 30, और यहां पर बच गया 7, और इसको यदि हम 1 से फिर से गुना करें, ये फिर वही चीज आ गया। ये कौन सा चीज आ गया, 1 साल 12 महीना 30 दिन और 7 दिन। ये 7 दिन क्या है, 1 सप्ताह में 7 दिन, तो ये फिर से वही आ गया। इसका मतलब ये है, इसको मैंने पहले से लिख रखा था, पहले इससे ऊपर मैंने लिख रखा था, तो ये मैंने पहले से लिख रखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं कि हम आज क्या चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। अब ये मैंने क्यों लिखा तो मैं आपको बता दूं, हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं से भाग जाने वाले उस यूनिक संख्या को ढूंढ रहे हैं जो सबसे छोटी से छोटी संख्या है, और 1 से लेकर 9 तक,
ना केवल एक से लेकर नौ तक बल्कि एक से लेकर दस तक के सभी संख्याओं से भाग जाएगा और वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है। अब भाई अगर हम एक से लेकर दस तक के संख्याओं से भाग जाने वाले सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी संख्याओं का गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, हम क्या करेंगे, एक का गुना करेंगे, दो करेंगे, फिर तीन करेंगे। अब आपको रुक जाना है, एक गुना दो गुना तीन, चूंकि चार से ही भाग जाना चाहिए तो चार से भी गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अलग से चार से गुना नहीं करेंगे भाई, यहां क्या करें, अगर इसको हम दो से गुना करें तो दो दूनी चार, मतलब इसमें चार छुपा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम गुना करेंगे पांच से, उसके बाद यहां पर गुना करेंगे छह से, लेकिन भाई इसमें तो तीन पहले से है और दो भी है, तीन दूनी छह, मतलब यहां पर देखिए तीन दूनी छह पहले से छुपा हुआ है, मतलब इन पूरी संख्याओं को गुना करेंगे उसमें छह छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम गुना कर देंगे सात से, उसके बाद गुना करेंगे आठ से, क्योंकि सभी संख्याओं से भाग जाना चाहिए, उनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं, यहां पर क्या करेंगे, आठ से गुना करेंगे, लेकिन आठ से गुना करेंगे उससे पहले देख लो, दो दूनी चार, दो दूनी चार पहले से छुपा हुआ है, केवल दो से और गुना करेंगे, यहां पर लिख देंगे दो, ठीक है, अर्थात यहां पर आठ भी छुपा हुआ है। अब नौ से गुना करेंगे, तो नौ से गुना करेंगे तो तीन इसमें पहले छुपा हुआ है, अर्थात इसको हम तीन से गुना करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो संख्या हमने लिया है, ये जो संख्या हमने लिया है, इन संख्याओं को यदि हम गुना कर दें, इनको गुना कर दें तो हमारा उत्तर कितना जाएगा, 2520, निश्चित रूप से 2520 ही आएगा, 100% तय है, क्योंकि यह एक यूनिक संख्या है। अब ये 2520 ही एक ऐसी संख्या है जिसको आप एक से लेके दस तक के किसी भी संख्या से भाग दीजिए, भाग जाएगा ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक से लेके दस तक के सभी संख्याओं से मिलकर कहीं ना कहीं बना हुआ है, कहीं ना कहीं उन संख्या से गुना जरूर हुआ है। अब ऐसा कैसे जानेंगे कि ये कहीं कहीं सात से गुना हुआ है, दस से गुना हुआ है, नौ से गुना हुआ है, भाई ये जो उत्तर देख लो, यहां पर देखो सात गुणित सॉरी तीन गुणित तीन, मतलब तीन तिया नौ। अब देखो क्रमशः देखते हैं, एक है, दो है, तीन है, दो दुनी चार है, पांच है, छह, तीन दुनी छह है, सात है, आठ के लिए दो दुनी चार दुनी आठ, आठ भी है, नौ, तीन तिया नौ भी है, और दस करेंगे तो पांच दुनी दस, अर्थात इसमें सभी संख्याओं का गुना हुआ है। तो क्या ये जो है उन संख्याओं से भाग नहीं जाएगा, जाएगा ना भाई, 100% जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा था, निश्चित रूप से इतना आपको सोचना नहीं है, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, अर्थात एक साल, 12 महीना, 30 दिन और ये 7 दिन, ये सप्ताह के 7 दिन है, ये माह के 30 दिन है, साल के 12 महीने हैं और एक साल है, इनको आप गुना करेंगे तो भी आपका उत्तर वही आने वाला है, ये अद्भुत चीज है। अब देखिए अगर मैं इसको गुना करता हूं, चलो हम यहां से गुना करते हैं, सात या 21, यहां पर लिखते हैं एक दो मतलब 12 लिखते हैं और यहां पर सात या 21 मतलब ऐसा लिखते हैं, अर्थात मैंने कई बार आपको बताया है कि ये भी एक यूनिक चीजें हैं। देखिए आप यहां पर देखिए ये क्या है, शून्य एक दो है, शून्य एक दो है और दो एक शून्य है, अर्थात ये उल्टा पुल्टा है और इनको अगर आप गुना करेंगे तो भी आपका जो उत्तर है ना वो कितना आने वाला है, 2520 आएगा, अर्थात 2520 वह छोटी से छोटी संख्या है जो क्या होगा, जो एक से लेके दस तक के सभी संख्याओं से भाग जाएगा। तो ये है इनका अद्भुत तथ्य। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताने वाला हूं, अगर आप इस प्रकार करते हैं, अर्थात 2520 को भाग देते हैं सभी संख्याओं से, भाग तो जाएगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन संख्याओं का अगर हम बीजांक निकाले तो क्या आता है, भाई इनका जो बीजांक है दो और पांच सात, सात और दो नौ, अर्थात इसका जो बीजांक हो कितना रहा है, नौ आ रहा है, जो कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात ये एक अद्भुत चीज है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर हम अंकों के रहस्य के बारे में जब जानते हैं ना, तो नौ को भी आपको जानना है और नौ में कौन कौन से और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, उनके लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा, 369 अंकों का रहस्य, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बनाए हैं, उन सारे प्लेलिस्ट को आप देखिए, और चाहे तो आप प्लेलिस्ट में आपको सर्च करने नहीं आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं इस वीडियो के, वहां पर भी इन प्लेलिस्ट को मैंने अलग से लिंक बना के दे रखा है, उनको आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं कि उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो, उस प्लेलिस्ट में वही वही वीडियो दिखाई देंगे जो आपको चाहिएगा, मतलब आपको यूनिक वीडियो चाहिए, अंकों का रहस्य वाला चाहिए, तो वही वीडियो आपको सिक्वेंस में दिखेगा, जिस वीडियो को आप क्लिक करेंगे ना वही वीडियो चालू हो जाएगा।
तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई यहां और यहां पर भी दो शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।